तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शुगर कैसे हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली जो शुगर होता है, यूरिन शुगर, वो तीन तरह से टेस्ट किया जाता है। एक तो आप फुली ऑटो मशीन, अगर आपके पास तो फुली ऑटो मशीन पे आप चेक करते कर सकते हो। दूसरा आप डीप स्टिक मेथड से कर सकते हो, यानी कि स्टेप पे जो मैन्युअली टेस्ट किया जाता है वो कर सकते हो। और तीसरा आप बेनेडिक मेथड से आप परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको डीप स्टिक मेथड से करके दिखाता हूँ कि हम मैन्युअली डीप स्टिक मेथड से कैसे शुगर चेक करते हैं, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमको बेनेडिक मेथड से, जिसको हम कन्फर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं, वह कैसे हम करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है टेस्ट स्ट्रिप, जो सीमेंस कंपनी का है, 10 पैरामीटर का होता है। तो इस स्ट्रिप को हम क्या करते हैं, पहले यूरिन में डीप करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डीप स्ट्रिप मेथड। ये हमेशा आप लोग याद रखना, जो मैन्युअली हम करते हैं उसको हम ये डीप स्ट्रिप मेथड बोलते हैं। इस कार्ड को हम क्या करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है, इसको ऐसे पकड़ना है। इस यूरिन के अंदर हम पोर करेंगे। पोर करने के बाद से देखिए, ये पूरा हम पोर करेंगे। पोर करने के बाद से इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक, रखने के बाद से यहाँ पे हमको चेक करना है शुगर। तो हम शुगर वाला जो कॉलम देखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है शुगर, ग्लूकोज नीचे से दिया है सबसे ये, और ये हमको चेक करना है 30 सेकेंड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो शुगर वाला जो हमारा कॉलम है नीचे से, आप देख सकते हैं ये 30 सेकेंड में ही आता है। तो 30 सेकेंड में जहाँ तक जाएगा हमको देखना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2+ तक नहीं, ये जा रहा है 3+ तक, यानी कि जो शुगर है डीप स्टिक मेथड से आप देखोगे तो 3+ इसमें शुगर आ रहा है। अब इसको हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, यानी कैसे कन्फर्म करेंगे। तो चलिए, कन्फर्म करने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है एक टेस्ट ट्यूब की, जो कि कांच की होनी चाहिए, और उसके बाद से आप बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये रिएजेंट यूज किया जाता है, यानी कि बेनेडिक रिएजेंट यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम बेनेडिक टेस्ट बोलते हैं, और इसको आप कन्फर्मेटरी टेस्ट के नाम से भी जान सकते हो। तो इस टेस्ट को प्रोसेस करने के लिए इस स्ट्रिप को हम हटा देते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे जब ये आपके पास अगर ये रिएजेंट होगा या आपके लैब में होगा तो आपको पता होगा, यहाँ पर प्रोसीजर दिया रहता है। यहाँ पर दिया है टेक 5 cc रिएजेंट इन द टेस्ट ट्यूब, एड एयर ड्रॉप ऑफ यूरिन, बॉयल द ओवर ए फ्लेम 3 मिनट, कूल ए कंप्रेशन, कलर ऑब्टेन एंड अगेंस्ट द चार्ट। यानी कि हमको 5 ml तक इसमें बेनेडिक रिएजेंट को हमको लेना है। लेने के बाद से एयर ड्रॉप इसमें हमको यूरिन मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद से बॉयल करना है। जब बॉयल होने लगे तो छोड़ देना है, फिर उसको रूम टेम्परेचर करना है, और फिर उसके बाद से हम इसका रिजल्ट देखेंगे, कलर कहाँ तक चेंज हुआ है, और फिर उस आधार पर हम दे सकते हैं रिजल्ट को। ठीक, तो चलिए हम पहले चालू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5 ml तक इसमें बेनेडिक को ले लेंगे, और लेने के बाद से इसमें मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि एक्चुअली वो क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें 5 ml तक बेनेडिक ले लेंगे। चलिए मैं बेनेडिक ले लेता हूँ जल्दी जल्दी। इसमें देख सकते हैं इसमें मार्क होता है कि कितना होना चाहिए। ठीक है, ये 5 ml से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जिसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब 5 ml तक ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो ये बेनेडिक का जो हमारा रिएजेंट है, ये क्या सही है या ये डिटूरेट हो गया या ख़राब हो गया, इसकी क्वालिटी आप कैसे चेक करोगे, क्योंकि जो रिएजेंट है उसकी भी क्वालिटी चेक होती है। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसे हीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम हीट करते हैं। अब लैम्प को जला लिया है और इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे। जब ये थोड़ा सा बॉयल होगा ना, तो अगर कलर इसका चेंज हो जाता है, मतलब कि जो हमारा रिएजेंट है वो रिएजेंट ख़राब हो चुका है, तो अगर ख़राब रिएजेंट में आप टेस्ट करोगे तो ऐसे ही आपको शुगर न रहते हुए भी पॉजिटिव आ जाता है। और अगर ये हीट करने के बाद से अगर इसका कलर चेंज नहीं होता, मतलब कि आपका जो बेनेडिक रिएजेंट है वह रिएजेंट की क्वालिटी अच्छी है, उस पर आप टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये क्वालिटी चेक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या आप पर डे करो या जब आप बॉटल को ओपन करते हो तो उस टाइम आपको ये करना चाहिए। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अभी तक किसी ने ये बताया होगा, लेकिन ये क्वालिटी चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो काफ़ी टाइम तक ये ओपन रहता है, ओपन होने के बाद से इसकी भी सेल्फ लाइफ होती है, सेल्फ स्टेबिलिटी होती है, जो कि ख़राब हो जाती है। तभी आप देख सकते हो मैंने इतनी देर तक इसको हीट किया लेकिन कलर चेंज नहीं हो रहा। अब इसमें हम 8 ड्रॉप यूरिन
मिक्स करेंगे, ठीक है। लैंप को जलने देते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि 8 ड्रॉप तक यूरिन को मिक्स करते हैं। तो ये हमने ड्रॉपर लिया और इसे मिक्स करेंगे, ठीक है। अगर 1-2 ड्रॉप ज़्यादा हो गया होगा तो ठीक है, ये आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। और इसको हम ऐसे इस फ्लेम पे मिक्स करेंगे और फिर इसको हम हीट करेंगे। अब हीट हम करेंगे इसको जब तक ये बॉयल होता नहीं है। पहले से हल्का सा मिक्स हुआ था तो ये बहुत जल्दी ही बॉयल होने लगेगा। और इसका आप देखोगे टेम्परेचर, जैसे ये हीट होता है इसकी जो कलर होती है वो चेंज होने लगता है। और ऐसे ऐसे हमको मिक्स करना होता है, ये बबल बन के ये बाहर ना निकले। अब ये हीट हो चुका है, ठीक। अब इससे ज़्यादा इसको हीट करना नहीं है, इसको हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, यानी कि जब तक ये ठंडा नहीं होता। और ये हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये देखिए जैसे जैसे ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद इसका हम कलर देखेंगे। कलर तो आप देख सकते हैं ये कलर इसका चेंज हो चुका है और ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने से आप देखोगे तो आपका यहाँ पे 3+ तक आ रहा है। तो इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से हमको ये कंफर्म करना होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है यानी जो शुगर होता है यूरिन के अंदर, वह प्रेजेंट आ रहा है और 3+ आ रहा है। यानी इससे आपका कंफर्म हो गया कि आपका जो यूरिन सैंपल था उसमें जो ग्लूकोज आया था वह ग्लूकोज सही है, यानी कि रिजल्ट आपका कंफर्म हो गया। तो अगर आज के बाद से आपको कोई बोलता है कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, यानी ग्लूकोज का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, तो वह होता है बेनेडिक रिएजेंट, यानी कि बेनेडिक मेथड से इस रिएजेंट के माध्यम से आप कर सकते हो। और ये जो रिएजेंट होता है बहुत ही आसानी से मार्केट में आपको मिल जाता है। आप जाके अगर बेनेडिक बोलोगे रिएजेंट कि बेनेडिक रिएजेंट चाहिए तो आपको आपके लैब के लिए आसानी से मिल जाएगा। और ये कन्फर्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो ये स्ट्रिप होता है यह कभी कभी क्या होता है कि हवा के संपर्क में वैसे कंटामिनेटेड हो जाता है और रिजल्ट कभी कभी गलत दे देता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप क्लिनिकल पैथ में काम करो और एक टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो कंफर्मेटरी टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।